आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा इमरजेंसी जनरेटर है वो ऑटो पे है, बाय चांस अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो ये ऑटो पे स्टार्ट हो जाता है। तो और इधर से ये ऑटो है, अभी अगर ब्लैकआउट हो जाता है सिर्फ तो ये ऑटो पे अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम अगर इसको टेस्ट करेंगे तो इसको पहले हमें यहाँ पे लोकल पे डालना होगा। इसको यहाँ पे लोकल पे डालो और फिर इधर पैनल में आओ, तो पैनल में इसको इधर लोकल पे डालो और फिर इसको स्टार्ट करो। ये स्टार्ट किया तो ये 10 से 15 सेकंड बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। लोकल पे डाल के स्टार्ट करना है अगर ट्राई आउट करना है, और जैसे अपने आप ये ऑटो पे रहता है तो ब्लैकआउट में ऑटोमेटिक ही अपने आप लौट लेता है।